हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही हॉरर और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही हॉरर और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो क्या किसी अनजान जगह पर जाना हमारे लिए मुसीबत ला सकती है? किसी की लालच, हवस और पागलपन कितने खराब हो सकती है, ये हम जानेंगे आज की इस कहानी में। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है तीन लड़कियों से, जो कि एक अबैंडन हॉस्पिटल में आई हुई थी। वहीं पर रहने वाला एक आदमी स्टैनली उन तीन लड़कियों को बड़ी बेरहमी से रेप करके उन्हें वहीं पर मार डालता है। सीन यहीं पर कट होता है और फिर कहानी हमें कुछ दिनों के बाद में दिखाई जाती है, जहाँ पर हम बेथ नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि उसी हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने के लिए आई थी। उस टाउन के कई लोग बेथ को हॉस्पिटल में जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल को सभी लोग हॉन्टेड मानते थे और आज तक जो कोई भी वहां पर गया है कोई भी लौटकर वापस नहीं आया है। लेकिन फिर भी बेथ किसी की बात नहीं सुनती है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। उस हॉस्पिटल के बाहर बेथ को स्टैनली मिलता है। स्टैनली उसे हॉस्पिटल दिखाने के बहाने अंदर तो ले जाता है, लेकिन वहां पर उसके साथ में रेप करके उसे वहीं पर बांधकर कैद कर देता है। अब दूसरी तरफ हम लोग क्रिस्टा को देखते हैं, जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज्यादा रुचि थी और उसे खबर मिलती है कि उसका फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक शो बना रहा है, जिसके बाद वो कुछ ऑडिशन लेगा। ऑडिशन में जो कोई भी पास होगा वो उसके साथ में शो में काम कर पाएगा। और क्रिस्टा भी उसी शो के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाती है, जिसमें उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब अगले दिन इन्वेस्टिगेटर की पूरी टीम उसी अबैंडन हॉस्पिटल में जाते हैं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर केविन अपने दो असिस्टेंट एलन और जेट से कहता है कि उस हॉस्पिटल में कोई भी भूत नहीं है, उन्हें बस उन लड़कियों को वहां पर डराना है ताकि शो की टीआरपी और ज़्यादा बढ़े। उस शो में क्रिस्टन के अलावा चार लड़के आई हुई थी, जिनका नाम सुजैन, सोना, रोजी और लीना था। केविन उस हॉस्पिटल में नहीं रहने वाला था और बाहर से ही शो के बाकी के काम करने वाला था। स्टैनली भी उस हॉस्पिटल में उस जगह की देखभाल करने वाले आदमी की तरह रहा करता था और बाकी सब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में एलन लड़कियों को झूठी कहानी बताता है ताकि वो लड़कियों को डरा पाए। और यहाँ पर हम बेथ को देखते हैं, जिसको स्टैनली ने हॉस्पिटल के ही एक रूम में कैद कर रखा था और हर दिन उसका रेप करता था। हॉस्पिटल की दूसरी तरफ एलन झूठी पैरानॉर्मल एक्टिविटी करके लड़कियों को डरा रहा था। यहाँ पर सुजैन जेट से प्यार करने लगी थी और ये बात वो क्रिस्टा को बताती है। क्रिस्टा सुजैन को जेड से दूर रहने को कहती है, क्योंकि जेड उसे एक बहुत ही बुरा लड़का लग रहा था। लेकिन यहाँ पर सुजैन क्रिस्टा की बात को सीरियसली नहीं लेती है और रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम एक आदमी और एक मेलानी नाम की प्रोस्टिट्यूट को एक जगह पर इंटीमेट होता हुआ देखते हैं और वहीं पर स्टैनली आकर उस आदमी को मार डालता है और वो उस प्रोस्टिट्यूट को बेहोश करके अपने साथ में हॉस्पिटल के उसी रूम में ले जाता है, जहाँ पर उसने बेथ को कैद करके रखा था। बेथ उस प्रोस्टिट्यूट को देखकर स्टैनली को उसे नुकसान पहुँचाने से मना करती है और तब स्टैनली गुस्से में बेथ को बहुत ही ज़्यादा मारता और पीटता भी है। अब इस तरफ सुजैन जेट के रूम में थी और तभी उसे बाहर एक छोटी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। सुजैन बाहर देखने जाती है कि तभी वहाँ पर स्टैनली आकर उस पर हमला करके उसका रेप करता है और बाद में वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालता है। अब फिर अगले दिन स्टैनली जमीन पर लगे हुए सुजैन के खून को साफ कर ही रहा था और लड़कियों के पूछने पर वो बताता है कि वो बस किसी ड्रिंक के दाग है जो कि उससे गिर गए थे। तो लड़कियां भी उस पर जरा भी शक नहीं करती है। सुजैन उनको कहीं भी नहीं मिल रही थी तो वे सभी सुजैन को उस हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं और अचानक वहाँ के सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं और ये देखकर सभी डर जाते हैं और तब सोना और रोजी वहाँ से निकलने का फैसला करती है। इस तरफ बेसमेंट में स्टैनली बेथ को ड्रग देकर उसका रेप कर रहा था कि तभी उसे लड़कियों की आवाज़ें सुनाई देती है तो बाहर आकर लड़कियों को बेसमेंट से दूर रहने की धमकी देता है। लेकिन लड़कियों के अनुसार तो वे लोग बेसमेंट की तरफ गई ही नहीं थी। जेड भी इस बात को सच कहता है क्योंकि सारी लड़कियां इतने समय से उसी के साथ में थी। अब यहाँ पर बेसमेंट में बेथ होश में आकर वहाँ से भागने लगती है, पर उसे हॉस्पिटल में कुछ लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती है, जिनको स्टैनली ने उसी की तरह रेप करके मार डाला था। और फिर इस तरफ सोना बाथरूम में नहा रही थी तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि कोई उसके साथ में किसी तरह का प्रैंक कर रहा है। लेकिन उसी समय वहाँ पर स्टैनली चाकू लेकर उसे मारने के लिए आता है
और तब सोना बाथरूम से भागकर जेट से मदद मांगी रही थी कि अचानक पीछे से एलन आकर उसे मारकर भोंच कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेड, एलन और स्टैनली मिले हुए हैं और वे तीनों मिलकर एक वेबसाइट चलाते हैं जहाँ पर वो उन लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें मारते हैं और उनका रेप करके उनका वीडियो बनाते हैं जिन्हें वो उस वेबसाइट पर अपलोड कर बहुत से पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी वे लोग सोना के साथ में कई लड़कियों को टॉर्चर कर रहे थे और इस तरफ रोजी और क्रिस्टा को भी कुछ लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती है जो कि उनके साथ में हुए टॉर्चर के बारे में बता रही थी। हॉस्पिटल के बाहर टाउन के कुछ लोग आए हुए थे क्योंकि उनको हॉस्पिटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन स्टैनली वहाँ पर आकर उनको मार डालता है। अब रूम के अंदर जेड और एलन सोना को बहुत टॉर्चर कर रहे थे और वे उसके प्राइवेट पार्ट में एक नुकील हथियार घुसा देते हैं और जेड उसका सर फोड़ कर उसे मार ही डालता है। फिर वे दोनों स्टैनली से सोना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने को कहते हैं और स्टैनली सोना की डेड बॉडी को अपने साथ में बेसमेंट में ले जाकर वो डेड बॉडी के साथ में ही इंटीमेट हो रहा था कि तभी अचानक पीछे से बेथ आकर स्टैनली को मार देती है और उसे बेहोश कर वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन बेथ पुलिस में उस हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ बता देती है लेकिन कोई भी बेथ का यकीन नहीं करता है, लेकिन एक ऑफिसर लीजा बेथ की बातों पर यकीन करती है और खुद उस हॉस्पिटल में छानबीन करने के लिए जाती है। इधर दूसरी तरफ जेड परेशान था क्योंकि एक लड़की ने अपने भाई को उसी हॉस्पिटल में बुला लिया था और उस लड़की का भाई जॉन और उसकी वाइफ एलिसा उसी हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे और हॉस्पिटल में जेड और एलन एक नई लड़की को टॉर्चर करके उसका वीडियो बना रहे थे। अब उसी समय एक पुलिस ऑफिसर उस हॉस्पिटल में छानबीन करने आता है और वहाँ पर उसे जेड मिलता है। वो ऑफिसर को बहाना बनाता है कि वो एक स्टूडेंट है। ऑफिसर को वहाँ पर एक छोटी बच्चे की आत्मा दिखाई देती है लेकिन जेड को कुछ भी नजर नहीं आता है और वहीं पर ऑफिसर को खून से सने हुए पैर के निशान भी दिखाई देते हैं। फिर ऑफिसर कुछ समझ पाता उससे पहले स्टैनली उस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देता है। अभी वे लोग उस ऑफिसर को भी टॉर्चर करके उसका वीडियो बनाते हैं और आखिर में उस ऑफिसर के एनल में एक नुकीला हथियार डालकर उसे मार डालते हैं। अब इस तरफ क्रिस्टा और रोजी उस हॉस्पिटल से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन वहाँ के सारे दरवाजे बनते हैं और तभी वहाँ पर ऑफिसर लीजा आती है जिससे वो दोनों मदद मांगती है, लेकिन यहाँ पर लीजा रोजी को ही गोली मारकर मार डालती है और क्रिस्टा को वो मारकर बेहोश कर देती है क्योंकि लीजा भी उन्हीं के साथ में मिली हुई थी। लीजा उनको बेथ के बारे में बताती है जिसने वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी और तब जाकर जेड और एलन को पता चलता है कि स्टैनली उनसे यहाँ पर बिना पूछे लड़कियों को लाता है जो कि उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है और इस बात पर एलन स्टैनली पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन स्टैनली अपना आपा खोकर उसे मारने वाला था और किसी तरह ऑफिसर लीजा उस बात को संभालकर सभी को शांत करती है। फिर वहाँ पर टॉर्चर की गई लड़कियों का भाई जॉन आकर स्टैनली पर हमला करता है लेकिन स्टैन उसे बुरी तरीके से पीटता है और वो जॉन की वाइफ को टॉर्चर करके उसका वीडियो बनाने के लिए जेड और एलन उसे अपने साथ में लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर जॉन के सामने ही वो उसकी वाइफ का भी रेप करते हैं और कुछ समय के बाद में दोनों जॉन को मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेड, स्टैनली, एलन और ऑफिसर लीजा को सभी लड़कियों की आत्माएं नजर आती हैं जिनको उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा था और वे आत्माएं मिलकर उन चारों को मार डालती हैं और हम देखते हैं कि आखिर में सिर्फ क्रिस्टा ही जिंदा बच पाई थी और वो हॉस्पिटल से बाहर आती है और बाहर आने पर उसे केविन दिखाई देता है। गुस्से में क्रिस्टा उसको पीटकर वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हम ये देख पाते हैं कि किस तरह अपनी हवस की वजह से स्टैनली लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करके उन्हें मार दिया करता था और पैसों के लालच में जेड और एलन लड़कियों को टॉर्चर करके उनका रेप करते हैं और फिर बेरहमी से उन्हें मार देते हैं और उनकी वीडियो को बनाकर उनको वेबसाइट पर डालते हैं ताकि उनसे बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलें और पैसों के लालच में वे लोग एक के बाद एक लड़कियों को इस तरह से मार रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हीं लड़कियों की आत्मा ने उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें दे दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।